नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमसे दोस्ती करने के लिए कोशिश करता रहता है, बार बार इनवाइट करता रहता है इंडिया के ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के अंदर में, और इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड को दोबारा से रिज्यूम करने की बात करता रहता है। और दूसरी तरफ जो लोग इंडिया में बैंड है, जिनके तरफ जिनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं इंडिया में, उनको एकदम बिल्कुल रेड कारपेट पर वेलकम करता है। जैसे आप तस्वीर में देख ही रहे होंगे, शहबाज शरीफ ने यहाँ पर वेलकम किया है जाकिर नायक का। जाकिर नायक के बारे में मैं ऑलरेडी एक कई बार आपको कवर चेक कर चुका हूँ ये चीज़ कि कौन है ये व्यक्ति। बेसिकली ये एक रेडिकल इस्लामिक प्रीचर है और पीस टीवी का एक चैनल है जिसके थ्रू ये अपनी रेडिकल स्पीचेस से लोगों को रेडिकलाइज करने की लगातार कोशिश करता है। इसकी इस्लाम की बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशंस लोगों को बताता रहता है, इस तरीके की चीज़ें करता रहता है। आप जानते ही होंगे जाकिर नायक को, आपने कई बार देखा भी होगा इसको। तो जाकिर नायक फाइनली अब पाकिस्तान पहुंच गया। ही इज़ एन इंडियन, ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया इन 2016 और इसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इंडिया के अंदर में अगर आप देखोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा देने के केसेस हैं, हेट स्पीचेस के केसेस हैं, तमाम ऐसे केसेस इंडिया में हैं। इसलिए इंडिया में इसके पीस टीवी और इसको दोनों को बैन कर दिया गया था। अब ये पाकिस्तान पहुँचा है, तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान में इसका ज़बरदस्त स्वागत किया गया है जाकिर नायक का, बिल्कुल रेड कारपेट बिछा करके स्वागत किया गया। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ इसको वेलकम करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये जाकिर नायक। अब ये आपको समझना है कि जाकिर नायक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इस समय पर पाकिस्तान के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एशिया में इस समय पर चल रही हैं और इसलिए ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश का जो पूरा एपिसोड हुआ है उसको अगर आप ध्यान में रख करके सोचो तो ये जाकिर नायक जो है ये सिर्फ इंडिया में बैन नहीं है, इसके अलावा कई सारी और कंट्रीज़ में भी बैन है, जैसे यूके में बैन है, बांग्लादेश में बैन था, श्रीलंका में बैन है, इन सारी कंट्रीज़ में भी ये व्यक्ति बैन है सिर्फ इसी वजह से, अपनी हेट स्पीचेस की वजह से और किसी न किसी कारण से, कहीं ना कहीं इसके टेरर लिंक्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से इसको बैन कर रखा था। अब क्योंकि बांग्लादेश में सरकार चेंज हो गई है तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर से बैन हटाया जा रहा है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी जमाते इस्लामी, कहा जाता है कि उसी जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो स्टेज किया था, US का सपोर्ट था उनको, तमाम ऐसी जो स्पेक्यूलेशंस हैं वो की जाती हैं। उस जमाते इस्लामी के ऊपर से बैन हटा लिया गया है और हो सकता है कि अब जाकिर नायक के ऊपर से भी धीरे धीरे बांग्लादेश में बैन हटा लिया जाए और फिर ये अपने इवेंट्स करने वहाँ पर जाए। तो एजेंडा क्या है जाकिर नायक का पाकिस्तान में जाने का, इसको अगर आप समझोगे तो देखो जाकिर नायक पाकिस्तान गया है और वहाँ पर बाकायदे ट्विटर पोस्ट के माध्यम से सब लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि पाकिस्तान की सरकार ने खुद इसको इनवाइट किया है अपने यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में आने के लिए। और वहाँ पर जाकिर नायक और उसका बेटा फारिक नायक, दोनों जो हैं व्यक्ति, ये दोनों इस्लामी स्कॉलर्स हैं, तो वहाँ पर इनका एजेंडा है कि कई सारे ये प्रोग्राम्स करेंगे। ये अक्टूबर 28 तक पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, वहाँ पर कई सारे इवेंट्स करेंगे अलग अलग शहरों में। और जो ऊपर का स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनसे ये मुलाकात भी करेंगे पाकिस्तान के अंदर में। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स से ये मुलाकात करेंगे उसकी जो लंबी फहरिस्त है इस्लामिक स्कॉलर्स की पाकिस्तान में, उसी फहरिस्त में कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं जो कि इंडिया को बहुत चुभने वाले हैं। उसमें आपको मसूद अजहर का भी नाम मिल जाएगा, उसमें आपको हाफिज़ सईद का भी नाम मिल जाएगा। ये मसूद अजहर और हाफिज़ सईद, पाकिस्तान में इनकी इमेज क्या है? पाकिस्तान में इनकी टेररिस्ट वाली इमेज नहीं है, पाकिस्तान में इनकी एक इस्लामिक स्कॉलर वाली इमेज है कि दे आर द प्रीचर्स ऑफ इस्लाम और बहुत रिस्पेक्ट से इनको पाकिस्तान के अंदर में देखा जाता है। जबकि ये कितने बड़े टेररिस्ट हैं, इसकी मतलब आप इनकी फाइलें खोल दो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, कितने सारे बड़े बड़े कांड में इनका नाम है इंडिया में, और दे आर टेररिस्ट और उनको पाकिस्तान जो है वो इतना सेफ करके रखता है। तो जाकिर नायक जो ये बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स से, प्रीचर्स से मिलने वाला है, उसमें मसूद अजहर और हाफिज़ सईद भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी साझा नहीं किया गया है कि किससे एग्जैक्टली मिलेगा वहाँ पर। बाकी सारे नेताओं से तो मुलाकात ये व्यक्ति कर ही रहा है। इसकी जानकारी खुद इसने अपने ट्विटर पोस्ट से, मतलब इसकी टीम ने अपने ट्विटर पोस्ट से दी कि हम यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे, जाकिर नायक साहब और फारिक नायक दोनों प्रोग्राम करेंगे कराची के अंदर, इस्लामाबाद में और लाहौर में। और जो ये अपने जो इवेंट्स करता है
उन इवेंट के माध्यम से ही ये हेटरेट फैलाने की पूरी कोशिश करता है। आपने कई सारे इसकी वीडियोस देखी होंगी, एक वीडियो देखी थी बहुत वायरल हुई थी जिसके ऊपर इसको काफ़ी कंडेम किया गया था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, वो श्री कृष्ण जी के ऊपर वो वीडियो थी जहां पर किसी ने इससे श्री कृष्ण जी के ऊपर एक सवाल पूछा था, तो इसने ऐसा दिखाया कि मतलब ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल मैन और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उनके बारे में जो रिटर्न अकाउंट्स हैं आई कैन नॉट बिलीव ऑन दैट रिटर्न अकाउंट्स, और कोई उसके पीछे कोई पुख्ता वो नहीं है, ये सारी बातें वो बोलता हुआ एक वीडियो इसकी बहुत वायरल हुई थी इंडिया में जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा कंडेम किया गया था। जाकिर नायक वहां के पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक से भी इसने मुलाकात करी। हर पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं सब बिल्कुल इसके आवोभगत में लग चुके हैं। इवन अगर आप देखोगे कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर माने जाते हैं जो कि जामियात उलेमा ए इस्लाम फजल यानी कि JUIF जो कि अभी सरकार में सपोर्ट में है, सरकार के सपोर्ट में है ये पार्टी, उसके जो चीफ है मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही फेमस है पाकिस्तान के और इनको आप हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग भाषण देते हुए मिल जाएंगे ये व्यक्ति आपको। मौलाना फजलुर रहमान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया था असेंबली के अंदर में, पाकिस्तान के असेंबली के अंदर में, और इन्होंने कहा था कि एक तरफ इंडिया जो कि सुपर पावर स्टेटस चाह रहा है, जो कि सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि IMF के सामने भीख मांग रहा है। उसके अलावा यही वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि भाई डेमोक्रेसी रहना चाहिए पाकिस्तान में, और अगर कोई PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहती है तो उनको प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के सपोर्ट में भी अपना बयान दे दिया था। तो ये उस तरीके का डायनेमिक व्यक्ति हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान से भी जाकिर नायक जा करके पाकिस्तान में मिलने वाला है, बहुत जल्दी इनकी मीटिंग होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके एजेंडाज हैं। अब इंडिया में अगर आप देखोगे कि ये क्यों बैन है और इंडिया में इतने सारे केसेस के ऊपर क्यों चल रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर सबसे बड़ा केस जो है वो तो एक Peace TV ये चलाता था और उस Peace TV के तहत ये हेट स्पीच फैलाने का काम करता था, इसका सबसे बड़ा केसेस है इसके ऊपर जो इंडिया में चल रहा है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें केस है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसके ऊपर जो सबसे बड़ा केस है उसमें ये है कि इसने $28 million जो है उसके एसेट जो कि क्रिमिनल एसेट्स थे उनको यूज़ करके अपने कई सारे इवेंट्स को फाइनेंस किया है, कई सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की है इंडिया में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसके बाद हेट स्पीचेस का केस जो है वो इसके ऊपर इंडिया में कई जगह पर चल रहा है। अब ये कहीं पर जाए और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो इसने पाकिस्तान में भी जा करके कंट्रोवर्सी कर ही दी है। और इससे आपको ना इसकी थोड़ी सी थिंकिंग आइडियोलॉजी का भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ऑर्फन गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था क्योंकि भाई डॉक्टर जाकिर नायक आए हैं तो कुछ ऐसा किया जाए, तो इन्होंने ऑर्फन गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं, जाकिर नायक और एक व्यक्ति ये हैं जो कि इस पूरे इवेंट को चला रहे हैं। ये इवेंट रखा गया था, इसी इवेंट में होता क्या है, एक ऐसी घटना होती है कि जितनी ऑर्फन गर्ल्स थी उनको इन्होंने, अब लड़कियों को जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको जो बड़े व्यक्ति होते हैं, आपने भी देखा होगा आपके गाँव घर परिवार में ऐसा होता होगा कि बेटी कह के बुला दिया, बच्चे कह के बुला दिया, और तो इन्होंने बेटियाँ कह के उनको मतलब बुला दिया स्टेज पर कि आप आ जाओ। सो दे ही कॉल्ड देम डॉटर्स और उनको स्टेज पर बुलाने लगा। फिर अचानक से जाकिर नायक का एकदम एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है और ये स्टेज से नीचे उतर जाता है और इसको कहते सुना देता है कि ये आप इन लड़कियों को जो कि ऑर्फन गर्ल्स हैं आप इनको बेटियां नहीं कह सकते क्योंकि ये मरहम, ये नामरहम है, मतलब कि दे आर नॉट रिलेटेड टू अस बाय ब्लड और मैरिज, तो इसलिए आप इनको बेटियां कह करके नहीं बुला सकते और ये हमारे इतने करीब नहीं आ सकते, और ऐसे करके इसका जो एटीट्यूड है चेंज होता है और ये फिर स्टेज से चला जाता है। उसके बाद इसको बहुत क्रिटिसिज्म ऑनलाइन, काफ़ी क्रिटिसाइज चीज़ को किया गया कि इतनी, और इसी तरीके की चीज़ों के लिए खैर वो जाना भी जाता है, ये जो इतना हार्श इंटरप्रिटेशन है इसका इस्लामिक प्रिंसिपल्स का इसके लिए ही इसको जाना भी जाता है और ये काम ये करता रहता है। तो केसेस के बारे में मैंने बता ही दिया और उसके अलावा जो है इसके तार जो है टेररिज्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। केरला में एक बहुत फेमस केस हुआ था जहां पर दो एजुकेटेड लड़के, बिल्कुल यंग लड़के केरला के, उन्होंने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया था। जब वो वीडियो सामने आई तो फिर उसके ऊपर जांच किया गया NIA द्वारा और फिर पाया गया कि ये जो दोनों लड़के थे ये जाकिर नायक से जाकर के मिले थे और उससे मिलने के बाद ये इस्लामिक स्टेट जाकर के इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। हालांकि जाकिर नायक का इसमें कहना था कि उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक बांग्लादेश का कैफे केस हुआ था, कैफे बॉम्बिंग हुई थी 2016 की घटना है, बहुत ही एलीट कैफे था बांग्लादेश में ढाका में और उस कैफे में बॉम्बिंग हुई थी 2016 में, 29 लोग उसमें मारे गए थे। तो उसमें जो अक्यूज थे, मेन अक्यूज थे जो तीन लड़के,
कहा गया कि वो जाकिर नायक की फिलॉसफी और जाकिर नायक की वीडियोस काफ़ी फॉलो करते थे, उसकी फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। उसके अलावा दिल्ली रायट्स का जो मेन अक्यूज था खालिद सैफी, बताया गया कि खालिद सैफी भी जाकिर नायक से जाकर के मिला था और अपने एजेंडास को सपोर्ट करने के लिए उसने गुहार लगाई थी। उसके अलावा 2022 में एक और केस हुआ था, एक IIT ग्रेजुएट लड़का था जिसका नाम था मुर्तजा अहमद अब्बासी। गोरखनाथ टेंपल है एक उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर शहर है और गोरख जहाँ से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आते भी हैं, तो उस गोरखपुर शहर में एक गोरखनाथ टेंपल है। उस गोरखनाथ टेंपल के गेट के बाहर इस व्यक्ति ने, यानी कि मुर्तजा अहमद अब्बासी जो कि एक IIT ग्रेजुएट था, उसने चाकू से 2 कॉन्स्टेबल्स को मार दिया था, मारने की कोशिश करी थी, घायल कर दिया था। उसके बाद उसको पकड़ लिया गया था। बाद में जब उसमें जाँच पड़ताल की गई तो उसके फ़ोन में भी जाकिर नायक के वीडियोज़ और उसकी रेडिकल स्पीचेस मिली थी। तो इसलिए इंडिया में हेट स्पीचेस और तमाम ऐसे मुकदमे जो हैं वो इसके ऊपर हैं और वो सारे केसेस ऑनगोइंग है। 2016 में जब बांग्लादेश वाला केस हुआ था, हसीना की सरकार थी वहाँ पर शेख हसीना जी की, जब वो बांग्लादेश वाला केस हुआ था तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था और उसके बाद इसके खिलाफ सर्च वारंट भी निकाला गया था। उस समय ये इंडिया में था, तो उस कैफे ब्लास्ट के केस के बाद ये इंडिया से भी भाग गया था कि इंडिया इसको पकड़ के डिपोर्ट कर देगा या हवाले कर देगा बांग्लादेश सरकार के, तो ये निकल लिया था इधर से और फिर मलेशिया जा करके मलेशिया का रेसिडेंट बन गया। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप UPSC CSE 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इससे आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इस टेस्ट को अगर आप देते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, अभी फ़िलहाल आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन जो है हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने खुद क्यूरेट किए हैं। दूसरी चीज़ आपको फ़ायदा ये है, अगर आप इसमें बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आपको हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्लस इसके साथ साथ आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो जैसे लैपटॉप, फ़ोन और तमाम गिफ्ट वाउचर्स जो हैं वो जीत सकते हो, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख भी रहे हो कि वो अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हैं टॉप एजुकेटर से। ये जो टेस्ट है ये 6 अक्टूबर को होने वाला है 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी, उस लिंक पर जाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करके इस टेस्ट को आप लाइव देने की कोशिश करिए 6 अक्टूबर सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।